हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? मैं कृष्णा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यास चैनल ग्लिफ स्टडी पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं उनके लिए जो फर्स्ट टाइम किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट पुलिस का एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एग्जाम्स पॉसिबल है उसके लिए। खास करके वे बच्चे जो कि जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं था क्लास 12 तक, ठीक है। तो अब जब आप तैयारी करेंगे आगे, तो आपको तैयारी का रणनीति कैसा होना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, और जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है वो कहाँ से मैथ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बहुत बड़ा डर होता है बच्चों के लिए कि वो बोलते हैं कि हमको तो मैथ आता नहीं है तो हम एग्जाम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो उसका एक सोल्यूशन है, बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन है, ठीक है। तो उससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो एक बार शेयर कर देना है, ठीक है। और अब हम बात करने जा रहे हैं, देखो अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें मैथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट मैथ आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, चाहे वो कोई किसी पुलिस एग्जाम का हो, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, वन डे एग्जाम हो, आप विदाउट मैथ एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। ये हो गई बात। तो जो बच्चे मैथ से बहुत डरते हैं, जिनका बेसिक बहुत ही वीक है, उनके लिए एक सोल्यूशन ये है कि आप मैथ की तैयारी कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ एक ऐसी बुक जो आपके मैथ का जो डर है उसको ख़त्म करेगा। और आप अगर इस बुक को फॉलो करते हैं तो बात मानिए आप मैथ में स्टार बन सकते हैं, ठीक है। स्टार मतलब आप कोई भी वन डे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं ये बुक पढ़ने के बाद। इस बुक में इतनी पावर है। बुक का नाम देख लो यहाँ पर क्या है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक इस बुक का नाम है, ठीक है। फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक इस पोर्शन में लिखा हुआ है। इसमें जितना भी पोर्शन है अर्थमेटिक का इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जो बुक आती है वो अरियंट पब्लिशिंग की बुक है, ठीक है। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, राजेश वर्मा की बुक है। और ये जो बुक है ना, ये भी एक बुक, ये आपको इंग्लिश में मिलेगी। इसका एक और बुक है जो ऋचा अग्रवाल का है, वो आपको हिंदी मिलता है, ठीक है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से है वो उस बुक को खरीद सकते हैं। और आपको ना स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना, कुछ नहीं करना है। उस बुक में इतने अच्छे से लिखा हुआ ना, स्टेप बाय स्टेप आप एकदम बेसिक लेवल से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक जितना पॉसिबल है जो एग्जाम में आ सकता है उसमें गिवन है, तो आप उस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखो आपको हम बता रहे हैं इसमें क्या क्या गिवन है जिनको नहीं पता है, ठीक है। और हम फिर हम बात करेंगे इस बुक का प्राइस कितना है। देखो इसमें ना स्टार्टिंग से गिवन है, ठीक है, जैसे कि नंबर सिस्टम, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, एससीएफ, एलसीएम, सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस, हर एक चैप्टर इसमें कवर किया हुआ है और बहुत ही डिटेल्स में कवर किया हुआ है। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट इसको फॉलो करता है, एक बुक सफिशियंट है। इसके अंदर आपको ज्योमेट्री भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सेट थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स टेबल होता है, डीआई मतलब समझते हो, डीआई मतलब क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में। बच्चे डरते हैं डीआई करने से, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट गिवन है, बस अलजेब्रा नहीं गिवन है, ठीक है। तो अलजेब्रा छोड़ के बाकी आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। तो ये बुक बहुत ही फायदेमंद है, आप लीजिए। हम लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही अच्छा मैथ हो चुका है इसे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। और जो बुक की जो प्राइसिंग है वो है आपका 465, बट आप इसको लोकल मार्केट में लेंगे तो आपको कम दाम मिलेगी, ऑनलाइन लेंगे तो आप घाटे में पड़ जाएंगे। तो आप ऑनलाइन इस बुक को खरीदना ही मत, ठीक है। जो भी खरीदना है ऑफलाइन में खरीदो, सस्ते मिलेगी। आप चाहे तो इसका ओल्ड वर्जन ले सकते हो, मतलब जो है पुराना बुक, सेकेंड बुक आप ले सकते हो। ये बुक बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब बहुत बढ़िया है। तो जिन्होंने अभी एग्जाम की तैयारी शुरू की है आप इस बुक को खरीद सकते हैं, बहुत गजब की बुक है ये, ठीक है। और चुपचाप इसको तैयारी करो, और कुछ नहीं, आप भूल जाओ कि आपको कहीं और पढ़ना नहीं पढ़ना है, कोई ट्यूशन नहीं ज्वाइन करना है। आप इस बुक का एग्जाम्पल सॉल्व करो और फिर इसका एक्सरसाइज सॉल्व करो, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस वीडियो मतलब इस बुक के थ्रू, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करो वीडियो को और एक बार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आपको क्या चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ग्लिफ स्टडी, सर्च करना है और उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलो थैंक यू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सलामत रहना, खुश रहना।